प्राइम मिनिस्टर वर्सेस प्रेसिडेंट। आज हम आपको बताएंगे किसके पास पावर ज्यादा है, तो जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी डाउट हो आप हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा अथॉरिटीज होती हैं प्रेसिडेंट के मुकाबले। प्राइम मिनिस्टर को लेजिस्लेचर चुनते हैं। प्रेसिडेंट को उस कानून पर साइन करना होता है जो कि उसे विधानमंडल देता है, वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा अथॉरिटीज और पावर होती है प्रेसिडेंट के पास नहीं। प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है बिल पास करने के लिए। प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता अगर उसे वोट ज्यादा मिली हो तो। प्रेसिडेंट उस बिल को डिले कर सकता है 14 दिन तक, लेकिन 15वें दिन उसे उस पर साइन करना ही होगा। प्राइम मिनिस्टर काम देता है मिनिस्टर को और उनसे काम वापस भी ले सकता है और उनसे मिनिस्ट्री छीन भी सकता है। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग में बैठता है। अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देता है तो पूरी मिनिस्ट्री इस्तीफा देती है। इंडियन प्रेसिडेंट अवार्ड दे सकता है अपमानित इंसान को भी। प्रेसिडेंट सौंप सकता है गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर दूसरे देश को। प्रेसिडेंट चीफ है इंडियन फोर्स का। प्रेसिडेंट लोकसभा को मिट्टी में मिला सकता है। प्रेसिडेंट को एमपी एमएलए चुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर को नागरिक वोट देकर चुनते हैं। प्रेसिडेंट भारत सरकार के लिए जिम्मेदार होता है। प्राइम मिनिस्टर भारतीय नागरिकों के लिए जिम्मेदार होता है। प्राइम मिनिस्टर सरकार का हेड होता है। प्रेसिडेंट का काम होता है वो सिर्फ साइन करे और लिखे ओके बिल्स और कागजों पर। सब कुछ पास होने के बाद आखिरी में सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही उसे पास करता है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है वो किस मिनिस्टर, चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करे, और प्रेसिडेंट को ये एडवाइस लेनी ही पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का चीफ एडवाइजर होता है। प्राइम मिनिस्टर भारत देश का लीडर है। प्राइम मिनिस्टर देश के लिए फॉरेन देश की पॉलिसी तय करता है, क्या सही है और क्या गलत। प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने वाले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम होता है चेक करना कि सरकार सारे काम अच्छे और आराम से कर रही है या नहीं। प्राइम मिनिस्टर कभी भी प्रेसिडेंट से कह सकता है कि पार्लियामेंट को बंद करो, दोबारा इलेक्शन करो। इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि रॉ सारी खबरें और बातें डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को बताती हैं। प्राइम मिनिस्टर की सैलरी है 1,65,000 रुपया। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए, वो है सबसे पहले इंडिया का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अगर मेंबर लोकसभा में है तो 25 साल से ऊपर होना चाहिए, अगर राज्यसभा में तो 30 साल से ऊपर होना चाहिए। प्रेसिडेंट का सबसे पहला काम होता है वो भारत का संविधान की रक्षा करे। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन फोर्स का। प्रेसिडेंट की सैलरी होती है 5,00,000। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से बड़ा होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। आपको इनमें से किसकी पावर ज्यादा पसंद आई? और ये सब बातें देखकर हमें पता लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा है प्रेसिडेंट से, और प्राइम मिनिस्टर ही देश चलाता है, हर चीज वही तय करता है। आपको जो बातें अच्छी लगी हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।